शैलेंद्रा न्यूटन्स लॉ ऑफ लाइफ लेट एस इक्वल टू सन एफ इक्वल टू फादर जी इक्वल टू ग्रांड फादर वी हैव सीन दैट इन जनरल लाइफ पेरेंट्स गिव ऑल थॉट्स टू देयर सन इट इज ए यूनिवर्सल फैक्ट इन द लाइफ़ ऑफ एवरी पर्सन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग बींग्स

The backbone of upcoming generation. It is just like Newton's first law of motion, and in this case, thoughts are transferred from generation to generation. We can frame an equation from this relation GT equal to FTST, grandfather thought equal to father thought into son thought. ग्रांड फादर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पॉसिबल एप्लीकेशंस एंड डेवलप्ड पर्सनैलिटी ऑफ फादर एंड सन दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू ई सटिसफाइड थ्रो दिस कंडीशन इफ ग्रांड फादर इज अलाइव एंड मोर इस्टब्लिश्ड दैन फादर एंड सन कुड बी रेज टू लीड पीसफुल एंड रॉयल लाइफ वी वाच आउट हंड्रेड इयर्स पास्ट एंड हंड्रेड इयर्स फ्यूचर देन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ सोसाइटी इज सो हेल्पफुल व्र एज ग्रांड फादर रोल इज ए भीटल माइल्ड स्टोन ऑफ कमिंग जनरेशन इट्स सेटिस्फाइड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जय हिंद